हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने पिछले चैप्टर में टाइम मशीन की एक यात्रा जो है इसकी कहानी को आपको पूरी बता के ख़त्म कर दिए थे। हम पुनः एक बार इसको संक्षिप्त में शॉर्टकट में रिपीट कर रहे हैं, है ना। देखो, सबसे पहले ये जो है टाइम मशीन की एक यात्रा क्या है, एक काल्पनिक वैज्ञानिक कथा है, है ना। काल्पनिक जो सपने में होती, कल्पना में होती, उस प्रकार की, है ना। और ये क्या है, कथा है। और इसके लेखक कौन है, एच जी वेल्स, मतलब हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स इनका पूरा नाम है। अब यहाँ पर जो लेखक हैं उनका एक मित्र जो है वैज्ञानिक है, है ना, जिसने कि एक यंत्र बनाया है। और वो यंत्र है कुर्सी के समान, चेयर के समान, और उसमें दो हैंडल लगे हुए। और उसको बनाने में उसे कितना समय लगा था, 20 साल का समय लगा था। तो उन्होंने, उस वैज्ञानिक मित्र ने लेखक और उनके मित्रों को बताया कि ये मतलब ये यंत्र जो है मुझे बनाने में 20 साल लगे, और जब बना तो वो बहुत ही मुस्कुरा रहे थे, है ना। उनकी जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी, परंतु उनके चेहरे पे चमक दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्होंने अपना काम समाप्त कर चुका था और एक बहुत अच्छा यंत्र बनाया था। उसके बाद उन्होंने अपने जो मित्र है, लेखक मित्र, उनको बताया कि ये जो यंत्र है वो तीनों कालों की यात्रा कर सकता है। इस यंत्र के द्वारा हम तीनों कालों की जो यात्रा है उसको हम कर सकते हैं, है ना। तो चाहे वह भूतकाल हो, चाहे भविष्यकाल हो, चाहे अतीत काल हो। तो लेखक और उनके मित्रों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उनको पता था कि ये कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास किया। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि उस वैज्ञानिक मित्र ने इन लेखक और उनके मित्रों को भोजन पे बुलाया, और उसके बाद वहाँ पर उनको बोला कि जब तक मैं उसमें एक टेबल पे एक पत्र मिला, उन्होंने लिख के डाल दिया था, वहाँ पर लिख के रख दिया था कि अगर मैं 7 बजे तक नहीं आया तो आप लोग भोजन शुरू कर दीजिएगा, है ना। तो उन्होंने देखा, उसके बाद उनका इंतज़ार किया, फिर देखा कि कुछ थोड़ी देर बाद जो वैज्ञानिक मित्र वो वापस आ चुका था, परंतु वह सही स्थिति में नहीं था, वो बड़ा व्याकुल था। और उसके बाद उसको जैसे तैसे थोड़ा होश आया और उसने फिर अपनी घटना सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि मैंने आज जो यंत्र बनाया था, मैंने सोचा कि उसका परीक्षण कर लेना चाहिए। तो उन्होंने परीक्षण करने के लिए हैंडल को ऊपर की ओर घुमाया, तो उसने 20वीं, 21वीं और 22वीं सदी की क्या किया था, यात्रा कर चुका था। और उसके बाद जब नीचे हैंडल घुमाया तो वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर वह एक मूर्ति थी, और वह मूर्ति अंदर से खोखली थी, है ना, मतलब उसके अंदर कुछ भी डाला जा सकता था। और उसके बाद वो मूर्ति के जो देखा उन्होंने कि उसके पंख थे, तो उन्होंने अपने कालयंत्र को वहीं पर रोक लिया, या वहीं जाकर वो कालयंत्र रुका। और उस वहीं पे बहुत सारे, कम से कम 100 के करीब जो है व्यक्ति उनसे मिलने आए, है ना। और वो लेखक के जो मित्र हैं, वैज्ञानिक मित्र, उनको बड़े अजीब दृष्टि से देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे उनकी तरफ, उनसे हाथ मिलाए। फिर वो सब मिलकर कहाँ चले गए, एक अट्टालिका मतलब महल की और चले गए, मतलब महल में गए। महल में देखा उन्होंने कि बड़े अजीब से पर्दे लगे हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे। उसके बाद देखा कि फल रखने, फल बहुत विभिन्न प्रकार के फल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वहाँ पर उन सब चीज़ों को देखकर उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। फिर वो लेखक की ओर देखने लगे, मुस्कुराते थे, बच्चों टाइप की हरकत करते थे। उसके बाद जैसे तैसे शाम हो गई, फिर लेखक को लगा कि अब मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना चाहिए, लेकिन उनके पास जो है उनका यंत्र, कालयंत्र नहीं था, तो वे उसे खोज करने लगे। उसके बाद ये जो उनके साथ, मतलब उनके उनसे जो व्यक्ति लोग मिले थे, वो पूरे के पूरे क्या हो गए, शाम होने की वजह से सो गए। और लेखक जो है परेशान हो गए कि अब वो वापस कैसे जाएंगे। तो फिर जैसे तैसे उन्होंने रात काटी और फिर अपने कालयंत्र की खोज करने लगे। तब फिर वो अट्टालिका के जो लोग हैं, महल में सोए हुए लोग थे, वो भी वापस आ गए। बीच में उनको जगाने की कोशिश किया, परंतु जगाए तो वो उनकी भाषा नहीं समझ पाए। और उसके बाद फिर अकेले ही उनको कालयंत्र को ढूंढना पड़ा। फिर जब वो ढूंढने लगे तब वे लोग आए। और उसके बाद फिर देखा कि वो यंत्र की खोज करते करते कैसी जगह पर पहुँच गए कि वहाँ पर दो प्रकार के लोग मिले उनको। एक तो ये सबसे पहले ये लोग मिले जो जिनको कि अंधकार से डर लगता था, है ना। और फिर जब लेखक अपने यंत्र को खोज रहे थे तो उनको कई ऐसे कुएं दिखाई दिए वहाँ पर, जिसमें कि ऊपर छत थी, यानी वो कुएं की सुरक्षा के लिए, तो और वहाँ पर अंधकार था। तो ये जो व्यक्ति थे 100 लोग जो है, उनको अंधकार से डर लगता था। और उसके बाद
फिर वो डरने लगे, तो फिर वो उनके साथ में नहीं जा रहे थे। लेकिन फिर लेखक जो है जैसे तैसे वहाँ पर रुके और उसके बाद वे कुएं के अंदर उतरने की सोचने लगे। फिर वहाँ पर उनको एक वीणा नाम की युवती मिली जिसने इशारा किया, तब उनको थोड़ा समझ में आ गया कि मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ है। फिर वो क्या किए उन्होंने कि वो उस कुएं में उतरे सीढ़ियों से, और उसके बाद वहाँ पर उनको सबसे पहले सुरंग मिली, और सुरंग मिलने के बाद अंदर जाते गए तो उनको वहाँ पर कुछ मशीनों के चलने की आवाज़ आई, और जहाँ पर अंधकार था तो वो कुछ व्यक्ति ऐसे मिले वहाँ पर गुप्त काल के, जिसको उन्होंने गुप्त काल नाम दिया। और तो वो जो है अंधकार जब रहता था तो वे लेखक पर झपट पड़ते थे। वो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग गुप्त लोग थे, जब वो मतलब रात में कुएं तक पहुँचे तो वहाँ पर उनको ऐसा लगा कि कोई विचित्र चीज़ है और वो उन्हें छू रही है। फिर लेखक उसके पीछे पीछे जाने लगे, और उसके बाद क्या हुआ कि वो उसकी खोज करने के लिए मतलब उनको ढूंढने लगे, और फिर देखा कि थोड़ी देर में वो गायब हो गया। तो इसलिए लेखक का को लगा कि ज़रूर इनके पीछे जाना चाहिए और क्या चीज़ है हमें देखना चाहिए। तो उनको समझ में आ गया कि ज़रूर हो ना हो ये कुएं के अंदर रहते हैं। इस प्रकार वो जब अंदर गए तो फिर वो जब अंधेरा था तो वो लेखक की ओर झपट पड़े, और जब उजाला लेखक जो है टॉर्च लेकर गए थे तो जैसे ही टॉर्च की रोशनी जला मतलब जलती थी तो वे लोग भाग जाते थे। मतलब समझ में आ गया लेखक को कि जो ऊपर व्यक्ति मिले थे वो अंधकार से डरते हैं, और ये जो बाद में गुप्त काल के व्यक्ति मिले उनको अंधेरे से बहुत प्रेम है, और रोशनी में वो क्या होते हैं कि वो दूर भागते हैं, है ना। उसके बाद जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को वहाँ से हटाकर क्या किया, अलग कर दिया। और उसके बाद फिर वो जो वीणा युवती थी वो भी बहुत डर रही थी कि ये ऐसे लोगों से मिलने जा रहे हैं कि क्या होगा कि वो उन्हें मार भी सकते हैं, तो वो डर रही थी। लेकिन जैसे तैसे वो उनके साथ गई, यानी वो चाहते भी थे कि उनके साथ जाए, क्योंकि उनका काल्यंत्र अभी तक उनको नहीं मिला था। उसके बाद वो काल्यंत्र की खोज के लिए गए तो उनको एक नीली इमारत मिली। उस नीली इमारत में दो पेटियाँ थी कांच की, एक कांच की पेटी में माचिस की तीली वाली डिबिया थी और दूसरे में कपूर था। और आगे जाके देखे तो उनको वहाँ पर लोहे का क्षण भी दिखाई दिया, और उस लोहे के क्षण को पकड़ने से क्या होती थी कि शक्ति उनकी क्या हो जाती थी, दुगनी हो जाती थी, है ना। तो उसके कारण वो उन अंधकार वाले जो व्यक्ति हैं उनको वो मार भी सकते थे। जैसे तैसे वो गए, फिर कुछ घास जलाकर प्रकाश किया तो जिससे वो युवती जो है बहुत खुश हो गई। फिर जैसे आगे बढ़े और फिर अंधकार होता था तो वो फिर अंधकार वाले व्यक्ति आ जाते थे और इन्हें मारने लगते थे। तो वो जो वीणा नाम की युवती थी बहुत डर जाती थी। फिर एक बार तो वो मतलब गिर ही गई नीचे, उसको उन्होंने अपने कंधे पर उठाया जो वैज्ञानिक मित्र हैं उन्होंने। और उसके बाद फिर कुछ देर बाद फिर अंधेरा हुआ तो फिर वो झपट्टा मारने लगे। वो बहुत ही लंबे लंबे बाल उनके लाल लाल के चेहरा क्रोध से भरे हुए थे वे लोग, तो उनसे वीणा बहुत ज़्यादा डरती थी। और उसके बाद वो वहीं मतलब गायब हो गई समझ लो, या कहना चाहिए कि वहाँ पर दिखाई नहीं दी। लेखक ने उनको बहुत खोजने की कोशिश की परंतु वह गायब हो गई। उसके बाद देखा लेखक ने जैसे तैसे वो कहाँ पर पहुँच गए, जहाँ पर मूर्ति थी जहाँ पर वो पंख वाली मूर्ति थी वहाँ तक वो पहुँच गए। और वहाँ पर एक सीमेंट का चबूतरा था जिसका दरवाज़ा खुला, तो वहाँ पर वो काल्यंत्र ढूंढने के लिए जा रहे थे। परंतु फिर उनको जैसे ही अपना काल्यंत्र दिखाई दिया वो, तो उसके बाद वो समझ गए थे कि वो जो अंधकार में रहने वाले लोग कि ये यहाँ पर कुछ ना कुछ ढूंढने आया है। तो उन्होंने चबूतरे का दरवाज़ा क्या कर दिया, बंद कर दिया। और उसके बाद समझ गए, और फिर लेखक भी समझ गए कि ये मुझे जाल में फंसाने वाले हैं। तो उन्होंने जल्दी से काल्यंत्र पर बैठा और उसका जो हैंडल है उसको घुमा दिया, तो फिर वो अपनी दुनिया में आने लगे और वो जो अंधकार वाले व्यक्ति हैं पीछे छूट गए। फिर जब वो आए तो पता चला, जब वो उन्होंने भोज करे थे अपने मित्रों का, यानी लेखक और उनके मित्रों का भोजन रखे थे, तो वहाँ पर जाके जब पहुँचे तो उसी की घटना अभी तक हम बता रहे थे। तो उन्होंने यही घटना जो है अपने लेखक और उनके साथियों को बताया कि मैंने दो प्रकार से मतलब दो प्रकार के लोगों को जाना, एक तो अंधकार में रहने वाले और एक सूर्य के प्रकाश में रहने वाले, है ना। तो बताया गया है कि फिर वो बाहर आए, फिर उन्होंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो फिर उनके जो लेखक हैं और उनके जो मित्र हैं वो उन पर विश्वास नहीं कर सक रहे थे, पर विश्वास करने के लिए लेखक वैज्ञानिक मित्र ने उनको एक फूल दिखाया जो बड़ा विचित्र था, उसकी सुगंध भी विचित्र थी, और उसको किसने दिया था, उनको उस युवती ने अर्थात वीणा ने दिया था। तब जाके फिर लेखक और उनके मित्र को उन पर विश्वास करना पड़ा।
तो बोला गया है कि इस प्रकार अंत में यह बताया गया कि हम काल यात्री को आश्चर्य से देख रहे थे और वो क्या कर रहा था, मुस्कुरा था। इस प्रकार उसने काल यंत्र का क्या किया, परीक्षण किया। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त हो रही है। उसके पहले, कक्षा समाप्त होने से पहले आपको एक बार पुनः याद दिला देंगे कि आपको हमने पहले ही बता दिए थे कि पाठ ख़त्म होने से पहले, क्योंकि ये लंबा पाठ था, चैप्टर जो था लंबा था, तो आपको लेखक का जीवन परिचय एक के बाद एक पॉइंट में और शब्दार्थ यानी कि मीनिंग लिखना अनिवार्य था। और अगर अभी भी नहीं लिखे होंगे तो आज भी टाइम है, आपको आप लिख सकते हैं दोनों चीज़ों को। सबसे पहले लेखक का परिचय लिखिए, उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखना था पूरे पाठ के, उसके बाद अब आओ करें एक, है ना। या आप भर सकते हैं कि काल यात्री ने अपने मित्र को किस लिए बुलाया था, लेखक अंत तक किस सदी में पहुंचा, मूर्ति कैसी थी, है ना। आओ करें एक, आओ करें दो, आओ करें तीन करके देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम तीन करवा देंगे या चार भी करवा देंगे। आओ करें एक और दो आपको करना है, तीन और चार अगर बन जाएगा तो कर लीजिएगा और नहीं बनेगा तो हम करवा देंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर मेरी बारी एक में जो ये प्रश्न दिया गया है कि आप जब बीमार पड़ते हैं, मेरी बारी एक का टाइम मशीन की एक यात्रा का एक पहला प्रश्न है आपको करना है कि आप जब कभी बीमार पड़ते हैं तो प्रायः डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास कई उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से वो मरीजों की जांच करता है। आप डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त किन्हीं पांच उपकरण के नाम और उनके कार्य पता करके लिखना है आपको। आप ये गूगल में भी सर्च कर सकते हैं और उसके बाद उस यंत्र का आपको नाम लिखना है और उससे कौन कौन से कार्य होते हैं वो आपको लिख के पांच वाक्य में बता देना है, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। फिर से हम एक बार दोहरा दे रहे हैं कि होमवर्क में आपको क्या करना है, आओ करें एक दो तीन चार, और दो तीन और चार नहीं भी बना तो आपको एक और दो जो है करना है और मेरी बारी एक का प्रश्न करना है। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।